हम लोग यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। मुद्दा ये है कि कई महीनों से, मतलब 80-85 दिनों से एक इलाका हमारे देश का बिल्कुल जल रहा है, वहाँ अनेक तरह के अत्याचार हो रहे हैं और ये सरकार बिल्कुल चुप है। ये सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर रही, बल्कि इस पूरे माहौल को बिगाड़ने में उनका जो हाथ है, ये हमको खुलेआम यहाँ पर बात करनी थी। दूसरा, औरतों के साथ जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई है, सिर्फ एक वाक्या नहीं है, बहुत सारे वाक्यात हैं। तो हमको ये लगता है कि जब भी ऐसे दो समुदाय के बीच में लड़ाई होती है, तब औरतों के शरीरों को इस तरह से एक तरह से उन पर हल्ला ना हो, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और सरकार की जवाबदेही है कि वो इसके लिए अपनी जो भी अपनी उनकी नाकामयाबी है उसको पहचाने, और अगर वो नहीं काम कर सकते, जो कि दिख रहा है वो नहीं कर सकते, तो उस कुर्सी छोड़ दें। ये हमारी यहाँ से मांग है। एक तो बात यह है कि इतनी महीनों से, दो महीने से ज़्यादा समय हो गया है और मणिपुर जल रहा है, लेकिन उसकी खबरें बाहर नहीं आ रही। तो ये सवाल हम उठाना चाहते हैं कि वहाँ की असलियत क्या है, वास्तव क्या है। जब वो वीडियोस वहाँ के वायरल हो रहे हैं और इंटरनेट वहाँ पे बंद है, उसके बाद बहुत इतने दिनों के बाद असलियत बाहर आई, तो कौन से देश में हम रह रहे हैं? हम अभी डिजिटल इंडिया कहते हैं, सब जगह पे कम्युनिकेशन के माध्यम इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद अगर वास्तव इस कदर छुपाया जाता होगा और इंसानियत पर और इतनी बर्बरता के साथ जहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं आगे आते, तो इस पर सरकार ही जिम्मेदार है और कोई ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। ये सिर्फ वो दो समुदायों के बीच चलने वाली लड़ाई नहीं है, उसको लगातार फैलाया जा रहा है और इसकी कोई आवाज़ ना उठे, जब सरकार इतने महीनों के बाद उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो ये साफ़ है कि सरकार ही ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस वहाँ पे फैलाया जा रहा है, और इसीलिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकार को सवाल पूछना। और यहाँ पे जनतंत्र अभी भी मौजूद है, शुक्र है कि इस जनतंत्र है और वो हम बचा के रहेंगे, तो ये जनतंत्र की व्यवस्था में आम लोगों के सामने उसकी असलियत लाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है संवैधानिक नागरिक होने के नाते, और उसी जिम्मेदारी के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कहना होगा, क्योंकि जहाँ जब इस देश की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति एक महिला है, और हमें बहुत अभिमान है कि एक आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति बनी है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब महिलाओं पर इतना क्रूएल, इतनी बर्बरता के साथ व्यवहार होता है, तो राष्ट्रपति जी का क्या कहना है इस पर? और अगर कुछ नहीं कहा है अभी तक, तो क्यों नहीं कहा है? क्या ये कुछ भी कहने लायक बात नहीं है? और हम बहुत आशा अपेक्षा रखते हैं जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लोग उनसे, और ख़ास करके अगर आदिवासी महिला है तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं। उसके बावजूद अगर कुछ नहीं कहा जाता, आपके हाथ में पावर होने के बाद, सत्ता होने के बाद भी अगर आप चुप हैं, तो हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आप क्यों चुप हैं। आप लोगों ने कितनी स्टडी की इस केस के इस मैटर में? नहीं, स्टडी जो भी अभी वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी पूरी तरह से नहीं आ रही है बाहर, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वहाँ की असली खबरें बाहर आए, तो वो लगातार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी टुकड़ों टुकड़ों में वहाँ का वास्तव सामने आ रहा है उसको जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वहाँ का माहौल खुलेगा तब ही असलियत बाहर आएगी। दो चीज़ें, एक तो मोदी जी हमेशा बोलते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये वायलेंस भी मेड इन इंडिया ही है उनके दरमियान से। और दूसरी बात है कि संकेत देता है हमें कि हमें एकजुट होके इसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, और ख़ास करके
आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये मॉन्स्टर को हटाना ही पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? मेरे ख्याल है सबसे पहले आप लोगों से, मीडिया की हैसियत से हम अपील करेंगे कि आप अपना किरदार निभाएं और ईमानदारी से निभाएं, और आज की कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें हमारी एक बहन ने कहा था कि जितना हिस्सा मर्दों का है उतनी ही बड़ी शिरकत जो है औरतों की भी है, तो इस दुख के माहौल में जिस तरीके से बहन और भाई मिल कर के आकर के मणिपुर के शर्मनाक हादसे के लिए सब मिल कर के बैठे हुए हैं, इसी को आप ईमानदारी से देश को पहुंचा दें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे सभी हजरात। बहुत शुक्रिया। हम इसमें, हमारी जो राष्ट्रपति जी है मुर्मू जी, वो लेडी है और आदिवासी समाज से भी है, और उनको इन्होंने सिर्फ एक स्टेच्यू बना के रखा है, और वो अच्छी, हमको लगता है कि बहुत अच्छी लेडी है, उसके लिए लाया स्टेशन में। उनको चाहिए कि अपने पावर का इस्तेमाल करें और इनको इनकी जगह दिखाए, मोदी को और अमित शाह को जगह दिखाए, और ये जो गरीबों पे जिस जो अत्याचार हुआ है ना, अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करके उनको खुल के आना चाहिए, तो पूरा हिंदुस्तान उनकी सपोर्ट करेगा, पूरा भारत के हर 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 व्यक्ति उनका सपोर्ट करेगा। मेरी उनसे, हमारी मुर्मू जी से अपील है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए और इनके इनकी कल्पित जो बदमाशी कर रहे हैं उनको दबाकर अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करें।